नमस्कार, मैं रोज अपने व्यस्त जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेकर आज चले एक सफर में। आज का सफर थोड़ा अटपटा सा है। नॉर्मली वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता जहाँ हड्डियों की ढेर पड़ी हो, लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि आपकी आंखों के सामने वो हड्डियाँ जीवित होने वाली है, तो ऐसे रहस्यमय दृश्य देखने आप जरूर जाएंगे। कि जाएंगे ना, चलिए फिर चले यह स्केल के साथ। मेरे लास्ट वीडियो यह स्केल लव स्टोरी में मैंने यह स्केल के सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन किया है, जहाँ बताया है कि यह स्केल कैसे बेबीलोन पहुँचते और कैसे वहाँ बचे हुए यहूदियों तक यरूशलेम के सर्वनाश की खबर पहुँचती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें, ताकि आपको आगे समझने में आसानी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब कर ही लीजिए, क्योंकि मैं आपको बाइबल के वचनों को कुछ इस तरह बताऊंगी कि वो आपके जहन तक उतर जाएगी और आप हमेशा परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। यरूशलेम टेम्पल को पूरी तरह लूट लिया और उसे आग लगा दिया गया। सारा यरूशलेम खत्म हो गया। बेबीलोन में बंदी बनाकर लेके गए यहूदियों के लिए आशा की एक किरण भी नहीं बची। एक तरफ अपनों के मौत का गम और दूसरी तरफ खुद की बर्बादी का मातम। इज़राइल अब खत्म हो गया, हमें हमेशा के लिए दफना दिया गया। इन हालातों से अब हमें कोई नहीं निकाल सकता, ये बातें उनके लिए शोक गीत बन गया हो जैसे। अगर आप में से कोई इसी तरीके के हालात से गुजर रहा है और मन में ये सोच रहे हैं कि अब सब खत्म हो चुका है, अब जीने का मायना नहीं बचा, परमेश्वर ने भी मुझे त्याग दिया, अब मेरे हालात कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, तो सुनिए, परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इस सफर के अंत तक बने रहिएगा। एक तरफ सभी मातम मना रहे हैं और दूसरी तरफ परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए यहेजकेल को परमेश्वर एक विजन देते हैं, जिसमें यहेजकेल को एक ऐसी घाटी के मध्य खड़ा करते हैं जहां चारों तरफ हड्डियां बिछी पड़ी है। यही नहीं, उन हड्डियों के चारों तरफ यहेजकेल को चलाते हैं ताकि वो इस सिचुएशन को पूरी तरह जान ले कि यहाँ इन घाटी में लाशें नहीं वरन अस्थियां, वो भी पूरी तरह सूखी हुई, जैसे सालों पुरानी हो, जैसे ये पहले कोई युद्ध भूमि हो जहाँ से इन लाशों को दफनाया ही नहीं गया हो। मैंने यहेजकेल से पूछा, पैगंबर, ये हड्डियाँ आपके पैरों को चुभी तो होगी, दर्द भी हुआ तो होगा, ऐसे भी निराशा के काले बादल से घिरे हुए क्या कम थे कि अब हड्डियों के बीच खड़े? आपने तो परमेश्वर की हर बात मानी, आपकी जगह इन हड्डियों के बीच तो नहीं थी। मेरी कल्पनाओं में मैंने यह स्केल को मुझसे कुछ ऐसा कहते सुना, रोज ये तो सिर्फ सूखी हड्डियां हैं, अगर ये जीवित होते और सारे सामर्थ के साथ मेरे विरुद्ध खड़े भी होते तो भी मैं यही कहता कि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो कौन मेरे विरुद्ध है। तभी परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दी, ओ मानव, क्या इन सूखी हड्डियों में प्राण आ सकते हैं? यहेजकेल ने उत्तर दिया, हे स्वामी प्रभु, यह तो केवल आप जानते हैं। मैं अपने मन में सोच रही थी, हे परमेश्वर, ये कैसा सवाल है, कैसा हो सकता है? इतिहास गवाह, ऐसी बातें न किसी ने सुनी है न देखी, कभी नहीं, ये हड्डियां कभी जीवित हो ही नहीं सकती। मैंने अपनी कल्पनाओं में फिर से यहेजकेल से पूछा, हे पैगंबर, ये कैसा जवाब दिया? क्या आपकी आंखें ये देख नहीं पा रही कि ये सूखी बिखरी हुई हड्डियां हैं जो कभी खड़ी नहीं हो सकती? जवाब में यहेजकेल ने कुछ यूं कहा, रोज तुम्हें ये हड्डियां दिख रही, मगर मुझे मुझसे पूछने वाली की पहचान, ये वो यहोवा है जिसने सृष्टि को अपने शब्दों से रचा है, ये वो यहोवा है जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है जैसे वो है, ये वो यहोवा है जिसने अपने वचन के सामर्थ्य से सब कुछ संभाले रखा है, ये वो यहोवा है जिसने समुद्र की सीमा बांधने के लिए रेत डाली, लहरें उठती तो है मगर वो उसको लान नहीं सकती, वो गरजती है किंतु वे उस पर प्रबल नहीं हो पाती। प्रभु ने यहेजकेल से फिर कहा, तू इन हड्डियों से नबूवत कर, तू इनसे यह कह, ओ सूखी हड्डियों, प्रभु का यह संदेश सुनो, स्वामी प्रभु सूखी हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण फूकूंगा और तुम जीवित हो जाओगी, मैं तुम में नसें भरूंगा और तुम्हारे कंकाल पर मांस चढ़ाऊंगा, मैं इसको त्वचा से ढकूंगा और तुम्हें प्राण से परिपूर्ण कर दूंगा, तब तुम जीवित हो जाओगी और तुम्हें अनुभव होगा कि मैं ही प्रभु हूँ। जैसे ही ये इसके लिए नबूवत कर रहे थे, तभी एक आवाज़ सुनाई दी मानो हड्डियाँ खड़खड़ा रही। देखा कि हड्डियाँ पास आई और अपनी अपनी हड्डियों से जुड़ गई, मांस चढ़ गया, मांस त्वचा में ढक गया, किंतु उसमें जीवन का सांस नहीं था। इस दृश्य से जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्या सच ऐसा हो सकता है? अद्भुत दृश्य मेरी आँखें देख तो रही थी, मगर कहीं से शक का एक कण मेरे विचारों में आकर गिरा।
अस्थियां जुड़ तो गई, मांस जड़ तो गया, शरीर ढल तो गया, मगर फायदा क्या? शरीर तो अभी भी मृत ही है। क्या आपके जहन में ऐसी बात नहीं आई कभी? मैं जो अभी तक खड़ा नहीं हो सकता था, आज खड़ा तो हो गया मगर चल नहीं पा रहा। हालात में सुधार तो हुआ मगर अभी तक पूरा सही नहीं हुआ। मेरी सोच को भांपते हुए यह स्केल ने कहा, मुझे इस बात का निश्चय है, जिसने ये काम शुरू किया है वो उसे पूरा भी करेगा। तभी प्रभु का आदेश आया, ओ मानव नबुवत कर, तू जीवन के सांस को मेरा यह संदेश सुना। तू उससे यह कहना, ओ जीवन के सांस, तुझसे स्वामी प्रभु यो कहता है, चारों पवनों से आ और इन शवों में प्राण फूंक कि ये जीवित हो जाए। जैसे ही यह इसके लिए नबुवत किया, शवों में जीवन भर गया और वे जीवित हो गए। जरा सोचे, कितना हिम्मत और विश्वास चाहिए कि ऐसी भविष्यवाणी करने जिसके पूरे होने का चांस ना के बराबर है। नीति वचन 18:21 कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानते हैं वह उसका फल भोगेगा। यूज द पावर ऑफ योर वर्ड। खुद से भविष्यवाणी करिए, कहिए, माना हड्डियां सूखी है, माना दीवार बड़ी है, मगर भजन संहिता 18:29 कहता है, मैं तेरे सहारे सेना को कुचल सकता हूँ, मैं अपने परमेश्वर की सहायता से प्राचीर लान सकता हूँ। जरा सोचिए, एक इंसान के नबुवक में रिसरेक्शन की शक्ति दिखी तो यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है, उनके वचन की शक्ति क्या होगी? यीशु मसीह के नाम में एक शक्ति है, जी उठाने की शक्ति, आपको चंगा करने की शक्ति, आपको शुद्ध करने की शक्ति, मोक्ष की शक्ति। दर्शन यह स्केल को इज़राइल के लिए मिला, जिसका मतलब ये था कि इज़राइल जो दफना दिया गया है, कब्र खोलकर बाहर निकलेगा। परमेश्वर उन्हें वापस उनके देश में ले जाने का प्रॉमिस करते हैं, जो कि पूरा भी हुआ। 70 साल बंदी रहे यहूदी वापस लौटे। दानियल के पुस्तक में हम ये नबुवक फिर से पढ़ते हैं। नहमया जकरिया के लीडरशिप में जेरूशलेम टेंपल को पुनर्स्थापित किया गया। चले मिलकर दुआ मांगे। हे मेरे खुदावन, होने दे पिता कि जो कोई इस मैसेज को सुन रहा है आशीषित हो, उनकी जिंदगी में मसीह की शक्ति प्रकट हो। मिलकर अपने लाइफ के लिए नबुवक करें और सभी नेगेटिविटी से दूर रहें। इसी दुआ के साथ, नई सोच के साथ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और खुश रहें। यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें। धन्यवाद।